बराला जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन नगर जी का इस कार्यक्रम में आने पर स्वागत करें। जीतन नगर जी, मैं धनखड़ जी से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पौधा देके स्वागत करें। मैं धनखड़ जी से फिर अनुरोध करूंगा कि हमारे केंद्रीय मंत्री तोमर जी का, जो हमारे चुनाव के प्रभारी है, पौधा देके स्वागत करें। हमारे प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर अरविंद जैन जी का पौधा देके स्वागत करें। आप सभी अतिथियों का, सभी गणमान्य व्यक्तियों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। अब मैं घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष, जिन्होंने पूरी यात्रा जी, जिन्होंने कई महीने मेहनत करते, इस टीम ने मेहनत करते ये संकल्प पत्र तैयार किया, ऐसे हमारे कैबिनेट के मंत्री धनखड़ जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने अनुभव साझा करें जो इस यात्रा के दौरान उन्होंने महसूस किए। धनखड़ जी, बहुत सारी बातें अपने आप में ऐतिहासिक हैं। मैं पहली बार देख रहा हूं हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे प्रभारी तो पहले भी कई मौकों पर, लेकिन मुख्यमंत्री जी समेत ऐसे एक, मैं कहूंगा कि इतनी बड़ा डायस और इस लेवल पर आकर घोषणा पत्र जारी करना, इसमें हमारे राव साहब भी, कटारिया जी भी, अनिल विज जी भी, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी भी, अपने आप में ये भी एक ऐतिहासिक अवसर है कि पार्टी का घोषणा पत्र यहाँ आज आपके मध्य जारी हो रहा है। इसकी रचना भी उतनी ही, मैं कहूँगा कि ऐतिहासिक है। इतने बड़े व्याप में पूरे हरियाणा भर के लोगों से सुझाव लेते हुए हमने 18 ऐसे सुझाव लेने के रथ तैयार किए, 5 विधानसभाओं में एक रथ को भेजा और हार्ड कॉपी सुझाव की सब रथों में वो लेकर आए। एक बहुत बड़ा सुझावों का संकलन हुआ। इसी तरह से हमने सोशल मीडिया के जितने भी उपाय थे, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे ट्विटर है, चाहे मेल है, चाहे वेबसाइट है, फेसबुक पेज है, ऐसे सब पर भी सुझाव संकलित किए और मुझे आनंद है इस बात का, 1,70,000 लोगों ने अपने सुझाव भेजे और एक बहुत बड़ी मेहनत करते हुए जो 9 सदस्यीय हमारी कमेटी थी, उन सभी सुझावों का कैटेगराइजेशन किया। हमने डायरेक्टली 31 समूहों से बातचीत की, किसानों से कई जगह अलग अलग जाकर, व्यापारियों से कई जगह अलग अलग जाकर, उद्योगपतियों से अलग जाकर, शहर में रहने वाले नागरिकों से अलग, गांव में रहने वाले ग्रामीणों से अलग, स्थानीय स्वशासन के लोगों से अलग, कर्मचारियों से अलग, दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, युवा वर्ग, सीनियर सिटीजन्स, महिला, समाज के जितने भी आयाम, भी बहुत तरह के एक्टिविस्ट, पर्यावरण को लेकर जो काम करने वाले लोग हैं, वो जितने भी तरह की डेलीगेशन, वेलफेयर एसोसिएशन, सब प्रकार के समूहों से, शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोग, चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाले लोग, सभी से जाकर सीधे सीधे इंटरेक्ट किया। हमारी सब कमेटीज गई, लंबी वार्ताएं उनसे की, पार्टी में जो और इस विचार को लेकर काम करने वाले जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सब के साथ
किसानों के बीच में जो हमारा किसान मोर्चा काम करता है, युवाओं के बीच में युवा मोर्चा काम करता है, महिलाओं के बीच में महिला मोर्चा काम करता है, पिछड़े वर्ग में पिछड़े वर्ग मोर्चा काम करता है, अनुसूचित जाति वर्ग में जो मोर्चा काम करता है, सभी से एक पूरे व्याप के साथ सभी के सुझावों का संकलन किया। संकलन के बाद जो हमारी टीम थी उसने अपनी 15 बैठकें की और उस 15 बैठकों में कुछ में हम सांसदों के साथ बैठे, कुछ में विधायकों के साथ बैठे, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठे, हम पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठे और ऐसे अपनी भी व्यक्तिगत उसको और बेहतर निखार देने के लिए उस कमेटी की भी लगातार अनेक घंटों की, मैं कहूंगा कि एक दिन तो चंडीगढ़ में लगातार 9 घंटे की मैराथन हमारी जो है वो 1.5 दिन में चली और उसके सब के सार स्वरूप हमारा ये संकल्प पत्र है। क्योंकि जब हमने सुझाव मांगे तो हमने सुझाव मांगने के लिए शीर्षक दिया था मेरे सपनों का हरियाणा, लेकिन जब सुझाव इकट्ठे होकर आ गए और सबका एक समूह बन गया, एक गुलदस्ता बन गया, तो उसको हमने नाम दिया मारे सपनों का हरियाणा। इसमें विजन भी है, इसमें ऐसे संकल्प और कार्यक्रम भी हैं जो अगले 5 साल में पूरे होने वाले हैं, इसमें बहुत सारी चीजों का विस्तार भी है जो आपको आज की इस प्रेस में जानकारी में मिलेगा। मैं ये कह सकता हूं कि जो 31 समूहों से हमारी वार्ता हुई उनको इसके सब टाइटल्स में हमने पिरोया है, 15 मुख्य चैप्टर्स में हमने इसको बांटा है, 248 बिंदु हमारे इस घोषणा पत्र का हिस्सा बने हैं और ये एक ऐसा दस्तावेज बना है जो दस्तावेज आने वाले 5 वर्षों में आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए एक मार्गदर्शक होगा, एक विजन देने वाला होगा, एक कार्यक्रम के क्रियान्वयन का डॉक्यूमेंट होगा। सभी तरह से मैं कह सकता हूं कि सबकी मन की बात को समेटते हुए और इसको इस स्वरूप में ये आ रहा है कि रिसोर्सेज जितने हमारे पास अवेलेबल है उस रिसोर्सेज के हिसाब से, इसमें केवल ऐसे वादे नहीं है जो रिसोर्सेज की लिमिटेशन से बाहर जाने वाले हों, ऐसे सब चीजों का ध्यान रखते हुए एक दस्तावेज बना है। मैं कहूंगा कि आज जारी होने के बाद आपको लगेगा कि एक अनूठा दस्तावेज जो सर्वे भवन्तु सुखिना के मंत्र पर है वो आपके सामने आज प्रस्तुत होगा। मुझे ये दायित्व पार्टी ने मुख्यमंत्री जी ने सौंपा और मैं आभार व्यक्त करता हूं और मेरे टीम के सब सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने बहुत मेहनत की और उन सब हरियाणा वासियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इसके बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इतनी बात करके अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद धनखड़ जी। संकल्प पत्र को लेके, संकल्प पत्र इसका नाम क्यों रखा, इस विषय को लेके संक्षेप में मैं आग्रह करूंगा हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सुभाष बराला जी से कि वो आकर संक्षेप में इस विषय को रखें। आज के सुबह पत्रकार वार्ता में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की तरफ से संकल्प पत्र जारी अभी होना है, उसमें हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारे चुनाव के प्रभारी नरेंद्र तोमर जी, हमारे संगठन के प्रभारी और सदस्य राज्यसभा डॉक्टर अनिल जी, नरेंद्र जी, अदनी कटारिया जी, अनिल जी और जिन्होंने इस संकल्प पत्र का प्रारूप तैयार किया। बहुत दिनों से इस सारे प्रोसेस में लगे थे धनखड़ जी और उनकी अध्यक्षता में पूरी टीम ने, जैसे पूरा प्रोसेस धनखड़ जी ने बताया और
इसको नाम दिया भारत सपनों का हरियाणा, क्योंकि पूर्व में जो हमारी सरकार चली 5 साल तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, इस सरकार ने जो हमारे अलग अलग वर्ग हैं, चाहे वो विद्यार्थी वर्ग है, युवा वर्ग है, किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, उद्योगपति है, ऐसे हर वर्ग का जो सपना होता है उसके सपनों को एक नए पंख और नई उड़ान देने का प्रयास किया। ऐसे हर वर्ग को यह लगा कि हाँ, वो ऐसी सरकार पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी है जिसका इंतजाम जैसे वो लंबे समय से कर रहे हो, क्योंकि सभी वर्गों के जो हित थे वो पूर्व की सरकारों के अंदर वो किसी भी दल की सरकार रही हो वो ठीक प्रकार से पूरे नहीं होते थे, उनको दबाया जाता था, उनको कुचला जाता था, पुराणवाद के माध्यम से, क्षेत्रवाद के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से, उन सारी चीजों से मुक्ति दिलाने का एक बहुत बड़ा प्रयास टीम हरियाणा ने हमारे टीम लीडर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में किया। और इसके कारण से सब वर्गों में एक अलग ही तरह का एक एहसास जगा कि हां, यही सरकार है, यही मुख्यमंत्री है, यही पार्टी है जो भविष्य में भी हमारे लिए बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं। और इसीलिए मेरा संकल्प है, ये घोषणा नहीं है, ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का कि हाँ, हम सब ऐसे जो वर्ग है, विद्यार्थी वर्ग से लेकर के युवा वर्ग है, मजदूर है, हमारा व्यापारी है, किसान है, कर्मचारी है, उद्योगपति है, ऐसे सब वर्गों के जो सपने हैं जिनको इन 5 साल में ठीक प्रकार से सामने रखा है, आने वाले समय में इन सब के सपने साकार हो, ऐसा संकल्प इस संकल्प पत्र के अंदर दोहराया गया है। यह घोषणा नहीं है, घोषणा कई बार किसी कारण से थोड़ी कमजोर भी हो सकती है, कहीं कोई कमी भी रहती है, रह सकती है, लेकिन संकल्प जब भी किए जाते हैं और जब संकल्प भारतीय जनता पार्टी जैसा एक संगठन करता है जिसका अपना एक अलग विचार है, अलग राजनीतिक दर्शन है, एक आत्ममानव दर्शन है, जो अपने आप में ही इन सपनों को किस प्रकार से हम संकल्पबद्ध होकर के पूरा करें इसको बताने में सक्षम है, तो जब इस प्रकार की टीम, इस प्रकार के विचार के लोग कोई बात कहते हैं और वो संकल्प के रूप में कहते हैं तो निश्चित रूप से वो पूरे होते हैं। यही कल्पना हमारा इस संकल्प पत्र जो तैयार हुआ है इसको आप सबके माध्यम से हरियाणा की जनता के सामने रखने का हमारा ये विचार है। और आज अभी आपके सामने यह संकल्प दोहराया जाएगा और आपके माध्यम से हरियाणा की जनता के पास जाएगा कि किस प्रकार से हमारे सपनों का हरियाणा हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बराला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो घड़ी आ चुकी है कि हमारे इस संकल्प पत्र का हमारे सारे गणमान्य नेतागण उसका विमोचन करें। मैं साथियों से कहूंगा कि एक बारी बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संकल्प पत्र का विमोचन हो चुका है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे सपनों का हरियाणा, जो उनके सपनों का हरियाणा है, उसके बारे में वो क्या सोचते हैं, इस विषय को लेके मैं अनुरोध करूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से कि वो संक्षेप में इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। लोकतंत्र की एक खूबी होती है कि हर पांच साल में चुनाव से पूर्व सभी पार्टियां अपना अपना घोषणा पत्र घोषित करती है। हम भी पिछले चुनाव में 2014 में अपना घोषणा पत्र घोषित किया था संकल्प पत्र के नाम से, इस बार भी एक संकल्प पत्र लेकर के आए हैं। हमारा संकल्प पत्र हमारे लिए काम करने के लिए एक प्रेरणा सूत्र, एक सिलेबस, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके आधार पर हम लगातार 5 वर्ष जैसे पहले काम किया है, इसी प्रकार से आगे भी हम काम करने का हमको एक अवसर प्रदान करता है। पिछले हमारे संकल्प पत्र के आधार पर हमने जो काम किया, एक सिलेबस के रूप में हमने जो प्रस्तुत किया था, उसकी अब परीक्षा का समय हमारा आया है, हम परीक्षा देने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से ये जो इस बार का हमारा संकल्प पत्र है, इसकी परीक्षा हमारी अगले 5 साल में होगी। हमारा जो परिणाम निकालना है वो जनता ने निकालना है, फिर भी हम अपनी ओर से अपना संकल्प लेकर के और आगे बढ़ते हैं। शासन की एक कल्पना रहती है कि हम अपने राज्य को कैसे आदर्श राज्य, आइडियल स्टेट बनाएं, और आज हम संकल्प पत्र जब जारी कर रहे हैं तो मुझे उसमें से एक प्रेरणादायक बात और ध्यान में आ रही है कि आदर्श राज्य में हम राम राज्य की बात करते हैं, और राम राज्य की बात आज का दिन महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म, वाल्मीकि जी को रामायण का प्रणेता मानते हैं, रचयिता मानते हैं, और भगवान राम जी के नाम से राम राज्य की जो बात है, आज के दिन इसकी घोषणा ये बहुत सार्थक मुझे लग रही है। तो इसलिए हम लोग ऐसी कल्पना करते हैं, आदर्श राज्य राम राज्य में कहा गया, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ना कश्चित् दुख भाग भवे, अर्थात सब लोग सुखी हो, सब लोग निरोगी हो, कहीं भी कोई दुख ना हो, सब भद्रजन बनने की ओर अग्रसर हो, इस आइडियल अवधारणा के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हम लोग इसमें से विश्व के कल्याण की बात भी करते हैं। बहुत बार हमारे संस्कृति में जो एक बात बोली जाती है कि धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, धर्म का मतलब कोई मजहब से, कोई पंथ से नहीं लेना चाहिए। धर्म का अर्थ है कि सत्य, नियम, न्याय, उसके आधार के ऊपर और एक विश्व के कल्याण की बात हम करते हैं। स्वाभाविक है हम अपना क्षेत्र, अपना प्रदेश हरियाणा, उसमें इन चीजों को सबको देखना चाहते हैं। तो अभी तो मैं आपके सामने इतनी बात रखूंगा कि हम लोगों ने जो पिछली बार अपना घोषणा पत्र दिया था, आखिर उसके अनुसार हम कितना आगे बढ़े, और फिर आज का जो हमारा संकल्प पत्र है उसमें हमारी भूमिका क्या रहेगी। घोषणा पत्र पर विस्तार से तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बताएंगे, और आपके एक उसकी प्रति भी दे दी जाएगी, और उस नाते से उसमें से कुछ चर्चा आगे हो सकती है। हमने अपने पिछले घोषणा पत्र में एक बात का संकल्प लिया था कि हमारी शासन व्यवस्था ये ट्रांसपेरेंट होगी, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन होगी, बिना किसी भेदभाव के होगी, और हमने लगातार पहले दिन से लेकर के और अब तक इन बातों का पालन किया है।
उदाहरण के रूप में मैं अगर शुरुआत की एक बात याद कराऊं, 2014 का पहला सत्र था और उस जो हमारा सेशन था विधानसभा का, उस समय एक घोषणा मैं की थी कि आज सभी विधायक किसी भी पार्टी के हो, 5-5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सूची हमको दे दें, हम उनके यहां सब जगह कराएंगे, 450 करोड़ रुपए की बड़ी घोषणा थी। उस वक्त लोगों ने व्यक्तिगत रूप से मुझे कहा कि ये क्या सत्ता पक्ष को देना चाहिए, विपक्ष के लोगों ने कहा कि आपकी राजनीति कैसी है। हमने कहा हमारी राजनीति साफ है कि हम सरकार जब बनाया है तो इसका श्रेय तो भारतीय जनता पार्टी को है, लेकिन जब सरकार बनती है तो ये सबकी होती है, केवल पार्टी के लोगों की नहीं होती है। तो ये हमारा पहले दिन का संकल्प लगातार चलता रहा, चाहे पर कई पॉलिसी जो हमने बनाई, जिसमें ट्रांसफर पॉलिसी की हम बात कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट की बात कर सकते हैं, भ्रष्टाचार दुनिया भर का जो चलता था उसमें से हमने उसको खत्म किया। तो बेसिक जो हमारा उसका कहने का भाव सिद्धांत ये कि हमने कुछ मूल्यों की राजनीति करने के लिए आगे बढ़े, हमने राजनीति के मायने बदले। ये जो परिवारवाद, वंशवाद और अपने अपने घर में यानी सब चीजों का भ्रष्टाचार के माध्यम से धन उपार्जन करके इकट्ठा किया जाए, इससे हम दूर रहकर के हमने किया। हमने किसानों के लिए प्रारंभ से पहले से विचार किया कि ये प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और किसान की अगर स्थिति बढ़िया होगी या किसान से जुड़े हुए जो बाकी लोग हैं, कृषि आधारित जीवन यापन जो करते हैं, उनकी व्यवस्था अच्छी होगी तो प्रदेश की स्थिति बढ़िया होगी। अब इसमें कई विषय चलते हैं। हमारी प्रतिस्पर्धी पार्टी कांग्रेस, वो किसानों को खुश करने के लिए या उनके कल्याण करने के नाते उनके हिसाब से उन्होंने एक ही रट लगाई हुई है, क्या कि हर बार घोषणा करो किसान का कर्ज माफ करेंगे, किसान का कर्ज माफ करेंगे। अभी किसान का कर्ज माफ कई जगह पर घोषणा की भी है, वो उसके ऊपर पूरे नहीं उतर सके हैं। पंजाब देख लीजिए, उनके पास तो एम्प्लॉइज को यानी तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, कर्ज माफ की बात तो दूर है। मध्य प्रदेश ने, राजस्थान ने ये घोषणा की तो सिर्फ 50,000 रुपए की एक किश्त ये उन्होंने माफ की, इसके आगे बढ़ नहीं सके। हम चाहते हैं कि आखिर किसान इस दबाव में आए ही क्यों, उसको कैसे समृद्ध बनाया जाए और उसकी कठिनाइयों को दूर किया जाए। कभी कभी क्योंकि किसान का एक ऐसा काम है कृषि का, हमेशा ये जो है एक रिस्क में रहता है, उसकी सारी जो कमाई है, पूंजी है, फसल है, वो खुले छत के नीचे पड़ी रहती है। प्राकृतिक आपदाओं में जब कभी होती है तो उसको कैसे भरपाई करना, इस ओर हम आगे काम करते हैं। तो ये पिछला जो 5 साल का हमारा कार्यकाल है, इसमें जितनी सहायता किसानों की गई है, यानी लगभग 3600 करोड़ की सहायता, चाहे वो हरियाणा सरकार की ओर से की गई हो और चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से उनको मुआवजा मिला हो, जबकि पिछले 48 साल में टोटल मुआवजा उनका 1200 करोड़ रुपया उन्होंने घोषित किया था, जिसमें से भी 250 करोड़ रुपया हमने आके दिया था 2015 में। तो मित्रों, एक बहुत बड़ा राहत हमने किसानों को पहुंचाई, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की और वो MSP की घोषणा, जैसे स्वामीनाथन की बात बार बार आती है, तो स्वामीनाथन की एक प्रावधान के लागत से 50% लाभांश मिलना चाहिए, हमने 50% तो सुनिश्चित किया ही, बहुत फसलों में हम 92% लेवल तक भी चले गए। बाजरा की फसल, हमारे यहां हरियाणा में बहुत बड़ा क्षेत्र है सरसों बाजरा, जब पानी नहीं पहुंचता है उस लेवल तक हम चले गए। अब विषय आया कि घोषणा तो हो गई, लेकिन घोषणा होने के बाद अगर खरीद नहीं हुई तो केवल घोषणा से कुछ नहीं होता। हमने कोशिश की कि बाजरा और सरसों इसका एक एक दाना खरीदा जाएगा, जबकि कठिनाई राजस्थान में भी आई, कठिनाई पंजाब में भी आई। पंजाब के लोग सरसों हमारी मंडियों में लाते हैं, राजस्थान के लोग बाजरा हमारी मंडियों में लाते हैं, हमको थोड़ी सख्ती भी करनी पड़ी, उसका रजिस्ट्रेशन शुरू कराना पड़ा कि हम हरियाणा के किसान का तो ध्यान रख सकते हैं, उसका वेलफेयर हमारे जिम्मे है, लेकिन पास पड़ोस के प्रदेशों का हरियाणा की कॉस्ट पर कोई हम उनको लाभ नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए इसमें थोड़ी किसानों को तकलीफ जरूर हुई, आज किसान प्रसन्न है कि हमारा एक एक दाना बाजरा और सरसों और उत्तर हरियाणा में सूरजमुखी ये सब खरीदा गया। गन्ने का रेट हरियाणा का सर्वाधिक है, किसानों को पानी सिंचाई, इस नाते से हमने जो कहा था कि हम पानी का प्रबंधन ठीक करेंगे, अब उसमें SOL की बात भी थी, उसमें हंसी बुटाना की बात भी थी, लेकिन ये विषय सारे कोर्ट्स में यानी एक प्रकार से अंडर लिटिगेशन है। SOL की जहां तक बात करें, एक वातावरण बना करके सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा
बार बार आग्रह करके और हमें उस लाइन पर तो ले आए, एक निर्णय हो गया कि पानी का हिस्सा हरियाणा का है, मिलेगा ही। अब उसका एक एग्जीक्यूशन ऑर्डर, अब कोर्ट का भी बार बार आग्रह ये कि सबको मिल बैठ के सहमति से करना चाहिए। हमारे केंद्र सरकार के लोग भी लगे हैं, पंजाब के लोगों को मैंने आग्रह किया है, हमने भी अपनी बातचीत की है कि हमारा पानी का जो शेयर है वो सुनिश्चित किया जाए, वो मिले। अब उसमें बढ़ाने के लिए कोई भी जो योगदान है उसमें केंद्र सरकार का हो, हमारा हो, पंजाब सरकार का हो, वो हम करने के लिए तैयार है। हमने राशि पहले जमा करा दी है सारी, हमारी ओर से कोई बाकी नहीं है। तो इसका एक वातावरण बनाने का काम हमने किया है। हाँसी उठाना भी इसी प्रकार से कोर्ट में चल रहा है, लेकिन साथ साथ 40-40 साल से जो पेंडिंग विषय थे, लखवार डैम, किसाऊ डैम, रेणुका डैम, इन पर भी MOU अभी हमारे आने के बाद हुए। हमने सब प्रांतों को, हमारे केंद्रीय सरकार जो हमारे मंत्री नितिन गडकरी जी ने प्रधान करके सभी प्रांतों को राजी किया, सबके MOU हो चुके हैं, वहाँ काम प्रारंभ होने की स्थिति में आ गया है। लखवार डैम का तो काम शुरू भी हो चुका है आने वाले 1.5-2 साल के बाद। और इन तीनों परियोजनाओं में हरियाणा का हिस्सा पानी का सबसे ज्यादा है, यानी हमारे अकेले स्टेट का 47% पानी का शेयर इन तीनों परियोजनाओं में है। बाकी प्रांतों का भी लाभ इसमें होगा, राजस्थान है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल और उत्तराखंड, उनको बिजली की आवश्यकता उसमें उनकी पूरी होती है, वो उनका अधिकार है उसमें। तो कुल मिलाकर के हमने पानी के लिए एक वातावरण बनाया। पानी की मैनेजमेंट ये ठीक करते हुए जो आखिरी टेल्स 40-40 साल तक पानी नहीं पहुंचा था, 300 टेल्स में बरसात का जो सीजन 4 महीने का है उसमें हमने पानी पहुंचाया, क्योंकि उसके बाद पानी पीछे से ही कम होता है, इसके आगे अभी बढ़ना संभव नहीं। लेकिन ये रेणुका, ये जो तीनों मैंने प्रोजेक्ट बताए हैं, इनके कंप्लीशन होते ही हमारा एक ऐसा अनुमान है कि ये पानी 4 के बजाय 7-8 महीने उन स्थानों पर पहुंच सकता है। तो पानी के लिए हमने प्रबंधन सारे किए और आगे क्या भी हमने पानी के बारे में जो कमियां हैं उसको भी हम एक प्रकार से अगले संकल्प पत्र में लेकर के आ रहे हैं। हमने एक तो पौंड अथॉरिटी ये बनाई ताकि हरियाणा के 14,000 तालाब, इनका रखरखाव ये कैसे किया जाए। उसमें बड़े बड़े तालाबों में 20-22 पर तो काम शुरू हो चुका है, उनका काम इस समय चालू है। बहुत बड़े बड़े जो गांव महाग्राम जिनको मैंने कहा 10,000 से ऊपर आबादी के, वहां तो काम चालू हो चुका है। बाकी सब योजना बना करके एक तालाबों का सुधारीकरण और इसको किस प्रकार से रिजुनोवेशन किया जाए इस पर हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार मोटे मोटे विषय जो मुझे ध्यान में आते हैं, ग्राम विकास, ग्राम विकास के नाते से बजट हमारा इन 5 सालों में सर्वाधिक गया है। और ग्राम विकास में जो स्थानीय निकाय होते हैं, पंचायती राज, पंचायतें, पंचायत समिति, जिला परिषद, पंचायतों का तो अधिकार क्षेत्र पर्याप्त बना हुआ है, लेकिन जिला परिषद, पंचायत समितियां, इनके सीमित ताकतें, सीमित बजट, ये सब था। इसके लिए हमने इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, अंतर जिला परिषद बना करके उनको भी ताकत बढ़ाई जाए ताकि स्थानीय गांव का विकास में उनका पूरा योगदान हो। अंतर इतना है कि हमारे से पहले जिला परिषद का बजट 1 से लेकर 1.5 करोड़ रुपया साल का होता था, अब हमने प्रावधान किया है 20 से लेकर 25 करोड़ रुपया हर जिले में उनको बजट मिले, उनको अधिकार मिले, हर एक विभाग का काम उनको दिया गया है। केवल ग्राम विकास विभाग का नहीं, तो उसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का भी दिया गया है, हेल्थ डिपार्टमेंट का भी दिया गया है, स्पोर्ट्स का भी दिया गया है, ताकि गांव-गांव के जो छोटे काम है ये सब उनके जिम्मे किए जाए, किसी के निर्माण का काम तो किसी के रखरखाव का काम, ताकि उनकी भूमिका इसमें बढ़ाई जाए। हमने शहरों के अंदर जो विकास की, खास करके जो अनियमित कॉलोनीज थी, बहुत बड़ा एक ऐसा जाल बना हुआ है अनियमित कॉलोनीज का, क्योंकि वो जैसी स्कीम्स, जैसी पॉलिसीज बननी चाहिए थी, उन पॉलिसीज के अभाव में महंगे मकान होने के कारण से लोग जो एक प्लान्ड सिस्टम है उसमें जाने के बजाय अनियमित कॉलोनीज का एक बहुत बड़ा ग्रोथ हो गया। हमने आने के बाद 700 कॉलोनीज को नियमित किया और उनमें सारे जितने नियमित कॉलोनी में काम, वहाँ की सीवरेज है, सड़क है, पानी है, बिजली है, स्ट्रीट लाइट है, ये सब काम करने शुरू कर दिए हैं। हाँ, अभी भी कुछ कॉलोनीज लगभग 300 के आसपास ऐसी हैं जो नियमित करनी शेष है, उनको भी उस दायरे में, क्राइटेरिया में आने के बाद उनको भी सबको नियमित करने वाले हैं। ग्रामीण क्षेत्र की बात में अगर बताऊं तो कंपटीशन का माहौल हमने बनाया, जिसमें हमारी इंद्रधनुष योजना 7-स्टार स्कीम, ये बहुत एक सफल स्कीम हुई। एक प्रतियोगी स्वभाव बना,
हमने कुछ पैरामीटर तय कर दिया कि इन पैरामीटर्स पर कौन कौन सा गांव काम करेगा, उसके हिसाब से 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार लगभग 4,500 गांव इसमें 1 स्टार 2 6 स्टार ये पहुंच गए हैं। 1 स्टार तो काफी बड़ी संख्या में है, 6 स्टार भी लगभग 2 दर्जन गांव ऐसे हैं जो 6 स्टार तक पहुंच गए। अभी 7 स्टार कोई गांव नहीं पहुंचा है, लेकिन कंपटीशन में अब धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो 7 स्टार में वो लोग आएंगे, और जब संख्या 6 स्टार 7 स्टार की वो जो पैरामीटर्स पूरे गांव कर देंगे तो हम और प्रतियोगिता बढ़ाने के लिए उनके पैरामीटर्स बदलने की बात भी करते हैं कि थोड़े पैरामीटर्स को ऊंचा किया जाए ताकि और कंपटीशन बढ़ के गांव का जीवन जो है वो किस प्रकार से विकसित हो, सुखी हो। 6 प्रसंग चुनाव की बात 25 साल से रुकी हुई थी, चौधरी बंसीलाल जी के टाइम पर वो रोक दी गई थी। हमने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम आएंगे 6 प्रसंग के चुनाव कराएंगे, और अब पिछले वर्ष भी 6 प्रसंग के चुनाव भले ही वो अप्रत्यक्ष रूप से हुए लेकिन टू स्टार्ट विथ फ्रॉम एनीवेयर हमने वो किए हैं। और लिंगदो कमेटी ने भी ये कहा है कि कई वर्षों के बाद अगर चुनाव होंगे तो स्टार्ट अप्रत्यक्ष चुनाव इंडायरेक्ट चुनाव से करना चाहिए। इस बार भी चुनाव के बाद ये सब चुनाव दोबारा से अगले वर्ष के भी होंगे, हर वर्ष इसको हम लागू रखेंगे, और जो कॉलेज विद्यार्थी हैं उनको भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिले इस नाते से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने रोजगार के नाते जितने बढ़िया से बढ़िया पॉसिबल ऐसे मेथड्स हो सकते थे, जितने तरीके अपनाए जा सकते थे वो हमने किए, और उसमें भी ट्रांसपेरेंसी, जैसे सरकारी भर्तियों में हम 72,000 नौकरियां स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से हम लोगों ने दी है। अब चूंकि विपक्षी हथकंडे अगर ये ना अपनाए जाते और जगह जगह कोर्ट्स में ले जा करके कोई भी शिकायत करता और वहां जाकर स्टे ले लिए जाते हैं, अगर ये पॉलिसी को ठीक ढंग से आगे बढ़ाने का हमें इनको अवसर मिलता तो 1 लाख से ऊपर ये भर्तियां हो सकती थी। लेकिन अब हमने और उसमें सुधार करते हुए क्योंकि बड़ा काम ये किया, इंटरव्यू सिस्टम ग्रुप सी एंड डी में हमने समाप्त कर दिया ताकि केवल उनकी परफॉर्मेंस के आधार के ऊपर ये उनको सिलेक्शन का प्रोसेस कर दिया जाए। हाँ, जो डिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, जो प्रिविलेज्ड कैटेगरीज हैं, इनको प्राथमिकता दे करके। और एक सबसे बड़ा काम जो हमने किया है कि किसी के घर में एक भी नौकरी नहीं है, 5% उसको मिलने चाहिए और वो नौकरी में आए, ये हमारी प्राथमिकता है। अंत्योदय की कल्पना के हिसाब से आगे बढ़े, और इसको भी कोर्ट्स ने बहुत सराहा है, इससे बढ़िया और कोई काम नहीं हो सकता जन कल्याण का, तो ये काम हमने किए हैं। जहां तक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में बदलाव की बात की है, हालांकि हमारे घोषणा पत्र में नहीं था, हमने बहुत ऐसे काम भी किए हैं जो हमारे घोषणा पत्र में नहीं था, उसका उल्लेख करना मैं जरूरी इसलिए समझता हूं कि घोषणा पत्र में कुछ बातें वर्तमान समय में जो हमें ध्यान में आती हैं वो तो करने के लिए संकल्प लेते ही लेते हैं, लेकिन कई बार काम करते करते अनुभव में कुछ ऐसे विषय आ जाते हैं कि ये और बढ़िया ढंग से किया जा सकता है। तो हमने पढ़ी लिखी पंचायतों का प्रावधान किया, ये हमारे घोषणा पत्र में नहीं था पिछली बार, हमने इसको पढ़ी लिखी पंचायत के नाते से, और इसका इतना अच्छा एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि नॉट ओनली इन हरियाणा बट अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री शुड ऑल्सो फॉलो इट। और मुझे दुख से कहना पड़ता है, टिप्पणी पता नहीं करूं कि नहीं करूं, लेकिन मैं कर देता हूं कि परसों कांग्रेस का जो संकल्प पत्र आया है उसमें उन्होंने लिख दिया है कि हम आएंगे तो ये जो पढ़ाई की कंडीशन है पंचायती राज में इसको हम समाप्त कर देंगे। आगे बढ़ने के लिए कुछ करो ना करो, लेकिन कहीं प्रदेश आगे बढ़ गया है उसको पीछे तो धकेलने की बात मत करो। हालांकि होने वाला तो नहीं है, ये ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो इसलिए मित्रों हमें चिंता नहीं, लेकिन फिर भी सोच बता रहा होगा, इस प्रकार की सोच के वो लोग हैं, और कम से कम उनको कुछ नहीं करना चाहिए, कम से कम अपने उसके ऊपर नहीं, ठीक है तो उस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करता। मैं तो इतना कहता हूं कि हर वर्ग का हमने खेल नीति, हमने अपनी जो खेल नीति बनाई, हरियाणा खेलों का हम कैसे बने इसके लिए लगातार प्रयत्न चल रहे हैं। हमने नर्सरीज स्कूलों में लगभग 550 नर्सरीज हमारी शुरू की हैं, प्रिंसिपल कैच दम यंग, इस प्रिंसिपल के आधार पर हम आगे बढ़े। खेलों को बढ़ावा देने के लिए उनकी रुचि बढ़े हमारे खिलाड़ियों की, हमने उनके जो पारितोषिक हैं अवार्ड्स हैं उसका भी एक अच्छा बड़ा जंप दे करके, और मैं समझता हूँ ये हमारी जो ओलंपिक के अंदर भी राशि जुटता की गई है ये शायद देश में किसी भी प्रांत में नहीं है। अगर कन्वर्ट करके करेंसी को देखा जाए तो दुनिया के भी किसी देश में नहीं है। 6 करोड़ रुपए ओलंपिक में गोल्ड मेडल इसको हम दे रहे हैं, तो सर्वाधिक है।
और इसी प्रकार से हम एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं जो स्पोर्ट्स स्कूल है राई का, उसको हमने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का दर्जा देके उसका एक्ट पास हो गया है, चांसलर नियुक्त हो गए हैं कपिल देव जी, इस पर भी आगे हम काम कर रहे हैं और स्पोर्ट्स साइंस ये उसमें पढ़ाने का प्रावधान हमने किया है ताकि इस गांव में भी चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरल सिस्टम से स्पोर्ट्स में भाग न लें लेकिन उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, खेलों के एक जो ट्रेडिशनल तरीके होते हैं उसमें वो कर सकें, उसके लिए हर गांव में हमने 2 एकड़ प्लॉट के ऊपर व्यायामशाला ये बनाई है ताकि योग व्यायाम और आगे चल करके अगले संकल्प पत्र के बारे में जो आपको ध्यान में आएगा हमने उन जगह पर वेलनेस सेंटर्स बनाने की बात भी कही है। हरियाणा में 2000 वेलनेस सेंटर्स भी बनाएंगे ताकि व्यक्ति अस्वस्थ होने के बजाय स्वस्थ कैसे रहे, स्वस्थ रहेगा बीमार नहीं होगा तो बहुत सी समस्याओं का हल अपने आप होता है। जैसे वेलनेस सेंटर्स हमने शिक्षा में सुधार किया, शिक्षा के अंदर जो स्थितियां हैं उसमें हमारे बालक बच्चे जितने हैं वो पढ़ाई से यानी अरुचि होने लग गई उनको, क्यों परीक्षा का भय खत्म हो गया, हमने मासिक टेस्ट शुरू किए और अब बोर्ड के माध्यम से आगे 8वीं की परीक्षा इसको भी करने का केंद्र सरकार की ओर से परमिशन मिल गई है, उस पर आगे बढ़ेंगे। सक्षम योजना जो बच्चों में 3री 5वीं 7वीं के बच्चों को स्पेशल सब्जेक्ट्स के उनको काम दे करके अब सक्षम प्लस सक्षम टू इसके माध्यम से रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ गए हमारे, चाहे वो 10वीं के हैं चाहे प्लस टू के हैं, पहले की अपेक्षा 10 से 15% तक हमारे रिजल्ट्स जो आज से 5 साल पहले थे उसमें हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हुए हैं। महिलाओं के नाते संक्षेप में बताऊंगा कि महिलाओं के थाने सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस में महिला कर्मियों की संख्या ये हमने बढ़ाई, हमने महिला शिक्षा पर ध्यान देते हुए हर 20 किलोमीटर के अंदर एक महिला कॉलेज जरूर हो। हमारे कांग्रेस के मित्रों ने कहा कि हर तहसील में एक हो, अब तहसील का और 20 किलोमीटर की एक मैपिंग करके करने का बड़ा अंतर है। तहसील में तो ऐसी ऐसी तहसीलें भी हैं जहां एक तहसील का एक कोना दूसरी तहसील का एक कोना दोनों मिलकर के और अगर 2 कॉलेज वहां खोल दिए जाए तो बाकी 30-30, 40-40 किलोमीटर खाली रह जाएगा एरिया, तो तहसील से पर्पज हल नहीं होता, पर्पज होता मैपिंग करके 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज अवश्य हो ताकि इधर से उधर 10 किलोमीटर से ज्यादा दूरी उनको ना चलानी पड़े। सुरक्षित हमारी बेटियां बहनें महिलाएं ये अपने शिक्षा स्थान तक पहुंचे तो छात्रा परिवहन सुरक्षा इस नाम से योजना शुरू की ताकि उनके लिए स्पेशल बसेस 135 रूट्स ऐसे शुरू हुए हैं जो स्पेशल बसेस उनके लिए चल रही हैं। इसमें और आगे हम प्राइवेट व्हीकल्स जहां कहीं कम संख्या के व्हीकल्स की जरूरत है उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट यानी शिक्षा क्षेत्र में ही शिक्षा के संस्थान में ही एक ट्रांसपोर्ट का नोडल अधिकारी बना दिया ताकि ऐसे बच्चों को रूट के ऊपर छोटे वाहन भी उनको सरकारी व्यवस्था से खर्चे से करके दी जाए, इस पर भी पर्याप्त काम हो रहा है। उद्योग में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस पर इतना हमने काम किया कि आज हरियाणा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो 14th रैंक था हम उसमें 3rd पर आ गए हैं और बहुत जल्दी इस वर्ष का जो एक आंकलन आने वाला है मुझे लगता है शायद हम 1st पर भी आने की संभावना हम रखते हैं। हमारे से आगे तो केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये सब थे, उत्तर भारत में हम 1st प्लेस पर हैं। तो इन्वेस्टर्स की जो स्वाभाविक इच्छा बनी है वो हमारे हरियाणा में आकर के इन्वेस्टमेंट करने की बनी है और उसी में से रोजगार भी 4 लाख लोगों को प्राइवेट उद्योग के अंदर नौकरी मिली है। जैसे मैंने 72,000 सरकारी बताई, 28-30,000 बोर्ड कॉरपोरेशन यूनिवर्सिटीज उन्होंने भी दी है, तो ऐसे 4-5 लाख लोगों को रोजगार मिला है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाते से बहुत लोग उन्होंने मुद्रा के माध्यम से बैंकों के माध्यम से जो लोन की व्यवस्था वो दी गई है उसमें और सुधार करने की आवश्यकता है और आगे उसको एक प्रोत्साहन देने के लिए कुछ उसमें नई चीजें भी हम नए अपने संकल्प पत्र में लेकर के आएंगे। केरोसिन फ्री, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ऐसी कुछ विषय और जो हमारे घोषणा पत्र में नहीं थे उन पर भी हमने काम किया है। अब मैं एक ही विषय रख करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि हमने अंत्योदय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का जो अंत्योदय का संकल्प है कि समाज का जो अंतिम व्यक्ति अंतिम परिवार उसको कैसे सुखी किया जाए। आज जो गरीबी की रेखा के नीचे जिसको बीपीएल कहते हैं, बीपीएल का एक सिस्टम बहुत पहले जो बना उसमें बहुत तरह की कंडीशंस लगाई गई हैं, उन कंडीशंस को हम रिलैक्स करके हम उसकी जो आय को मुख्य आधार मानेंगे कि ये बीपीएल है कि नहीं है। और मोटे रूप से सारी योजनाएं हमने 15,000 रुपया प्रति परिवार की जो मासिक आय से कम यानी 1,80,000 रुपया
सालाना आय से कम के जो परिवार हैं, योजनाओं का अधिकतर लाभ ये उनको देने की हमने योजना कल्पना बनाई है। इसलिए प्रत्येक नागरिक, यानी ऐसा नागरिक जिसका जो इस दायरे के नीचे आता है, उसका हम ध्यान रखेंगे। वैसे तो हमने दो तीन नए मंत्रालय की बात भी कही है। एक स्वावलंबन के नाते से एक मंत्रालय, स्वरोजगार के नाते से एक, युवा वर्ग की समस्याओं को समाधान करने के नाते, यानी कुल मिलाकर हर व्यक्ति का हम एक लेखा जोखा रखेंगे। उसमें इन सब मंत्रालयों के अंतर्गत एक विचार विमर्श करने के बाद हम आपस में तय करेंगे। यानी जो मनुष्य संपदा है, हर व्यक्ति जन्म से लेकर उसके जीवन के अंतिम क्षण तक उसकी आवश्यकता क्या है, उसका डाटा भी हम बनाएंगे। इसके लिए परिवार पहचान पत्र की एक योजना हमने शुरू की है। हर परिवार का एक रिकॉर्ड हमारे पास, डाटा हमारे पास होगा। हर परिवार की व्यक्ति की आवश्यकता क्या है वो योजना हम बनाएंगे, और हर व्यक्ति की क्षमता क्या है। कई बार क्षमताओं का उपयोग भी वो नहीं हो पाता है। एक व्यक्ति बहुत सक्षम है, वो अंडर एम्प्लॉयड है या सेमी एम्प्लॉयड है, उसको एम्प्लॉयमेंट का पूरा अवसर मिलना चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो शायद समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए काम करना चाहते हैं, उनकी अपेक्षा भी नहीं है। तो हम वॉलंटियरिज्म के आधार के ऊपर भी विदेशों में, बहुत देशों में वॉलंटियर स्कीम ऐसी बहुत बनी है कि आप पेंशनधारी हैं, आपका समय है, समाज के लिए काम करना चाहते हैं। तो एक बड़ा वर्ग इस प्रकार का हमको ध्यान में आया, उन्होंने इच्छा भी व्यक्त की है हम सरकारी योजनाओं में मिलकर के साथ काम करना चाहते हैं। तो ऐसा एक वर्क कल्चर खड़ा करने के हमारे मन के अंदर विचार है कि आखिर लोगों को काम करने का शौक हो। अभी विपक्षी पार्टियां क्या करती हैं, फ्री बीज, फ्री 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 फ्री, ये फ्री वो फ्री, ये फ्री वो फ्री, ये सब चीजें चल रही हैं। हम चाहते हैं जिसकी आवश्यकता है उसको देना चाहिए, आखिर वो भी समाज की मुख्य धारा में आए, एक नीडी आदमी है। लेकिन हर किसी को फ्री प्रलोभन दे करके और आप चाहते हो कि हम वो उसको वोट के नाते खींचेंगे, ये अच्छी पद्धति और अच्छी दिशा नहीं है। हम चाहते हैं हर किसी को व्यवसाय मिले, काम मिले, उसकी आमदन बढ़े, उसका रोजगार कैसे उसको मिले, इस ओर हम आगे बढ़ेंगे। और इसी के लिए हमने सभी परिवारों का ये डाटा इकट्ठा करना शुरू किया है। हम लोगों को कर्मशील, कर्म पूजक ये बनाना चाहते हैं। तो इसी प्रकार प्रदेश का हित ये हमारे लिए सर्वप्रिय है। हम जो बीपीएल की, जैसे मैंने बताया, परिभाषा बदल करके 1,80,000 रुपया प्रति परिवार की जो आमदन, उससे नीचे के लोगों को लाने की कोशिश करेंगे। हाँ, कुछ योजनाएं ऐसी सीसी की डाटा के ऊपर बेस 2011 के ऊपर जो मिल रही हैं, वो वैसे ही जो डाटा सेंटर का है उसके हिसाब से मिलेंगी। लेकिन उसमें अगर कोई लोग और हमको मिलते हैं जिनकी आय इससे कम है, उनको भी हर योजना में उसको जोड़कर उसका लाभ दिलाएंगे। तो ऐसे कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जो स्पेशल प्रिविलेज जिसको कहते हैं, दिव्यांग हैं, निशक्त हैं, अनाथ हैं, परित्यक्त हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स को भी पूरा इनका ध्यान दे करके, और मान के चलते हैं कि ऐसे जो लोग हैं इनके सबकी रक्षा सुरक्षा, इनका गुजारा, इनका जो इनकी आवश्यकता है वो सरकार की जिम्मेदारी है, ऐसे सब लोगों को एक विशेषाधिकार के नाते से और योजनाएं बनाई जाएंगी। और मैं समझता हूं कि हम इस आशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हमारा जो अगला ये संकल्प पत्र है वो हमको एक अच्छी परीक्षा देने लायक, हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ा सके और हम अगली बार फिर से उस परीक्षा में जाएं जैसे इस बार जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। अब मैं अनुरोध करूंगा अपने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी से कि वो अपनी बात कहें। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के अध्यक्ष, सम्मानित मंच और हमारे पत्रकार बंधु, आज यहां पर हमारा संकल्प पत्र, हमारा सपनों का हरियाणा, इसका विमोचन यहां पर हुआ। यह संकल्प पत्र, कमिटमेंट पेपर, इज अ वेरी सीरियस डॉक्यूमेंट एंड अ वेरी स्टडीड डॉक्यूमेंट। अ लॉट ऑफ एफर्ट हैज बीन टेकन टू ड्राफ्ट दिस डॉक्यूमेंट। बहुत मेहनत हुई है इस पर, ग्रास रूट लेवल से, पब्लिक सोर्सिंग से,
जनता के विचार लेकर एक सीरियस एफर्ट के बाद यह संकल्प पत्र तैयार हुआ है। सबसे पहले तो मैं इस संकल्प पत्र को तैयार करने वाले लोगों को, ओम प्रकाश धनखड़ जी को और उनकी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने जिस सीरियसनेस के साथ इस काम को किया है वह बताता है कि किस सीरियसनेस के साथ मनोहर लाल जी की सरकार ने 5 साल काम किया है और अगले 5 साल काम करने के लिए किस तरीके से आमदा है उसका परिचय देता है। जब हम इसको सीरियस डॉक्यूमेंट कहते हैं तो दिस इज अ प्रैग्मैटिक पेपर, इट इज डूएबल। यह किए जाने लायक है, कर सकते हैं, किया जाएगा, ऐसा एक प्रैक्टिकल प्रैग्मैटिक पेपर है जिसको इस संकल्प पत्र के माध्यम से रखा गया है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने पिछले 5 साल में ही हैज चेंज द इमेज ऑफ हरियाणा। हरियाणा की तस्वीर और हरियाणा की चरित्र पिक्चर जो जनता के सामने, देश के सामने थी, उसमें मूल परिवर्तन किया है। इट्स नॉट ओनली कॉस्मेटिक चेंज बट देयर इज अ फंडामेंटल चेंज विच हैज टेकन प्लेस। उन्होंने हरियाणा की राजनीति में, हरियाणा के राजनीतिक कल्चर को बदल दिया है। द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ हरियाणा हैज बीन ड्रास्टिकली चेंज्ड। द इमेज ऑफ हरियाणा वॉज, इट वॉज सिनोनिम ऑफ करप्शन, इट वॉज सिनोनिम ऑफ नेपोटिज्म। यह भ्रष्टाचार का और भाई भतीजावाद का पर्यायवाची था। और आज हरियाणा भ्रष्टाचार मुक्त, विकास युक्त, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और पारदर्शी सरकार देने में खट्टर साहब सफल हुए हैं। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि यह जो कमिटमेंट पेपर है, यह कमिटमेंट पेपर की सीरियसनेस इस बात से झलकती है कि इट इज ए सीरियस डॉक्यूमेंट जिस पर मेहनत हुई है और जो सरकार आने वाली होती है उसके आगाज उसी बात से दिखते हैं कि कितने सीरियसली वो अगली सरकार की सोच रही है। और उस सीरियसनेस के साथ यह कमिटमेंट पेपर बना है। दिस कमिटमेंट पेपर, संकल्प पत्र represents all sections of the society. It addresses the questions and situation of every section of the society. और बहुत detailed analysis करके सभी section of the society को का presentation इसमें हमको देखने को मिलता है। दूसरा, इसका focus दूसरा, इस कमिटमेंट पेपर का फोकस है जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसको एड्रेस किया गया है। द पर्सन हु इज सिटिंग ऑन द लास्ट पेडेस्टल, ही हैज बीन फोकस्ड और उसको आगे रखने का प्रयास हुआ है। मैं यहां थोड़ा सा हरियाणा से डिविएट करता हुआ, लेकिन ओवरऑल जो भारत सरकार ने भी हरियाणा के ध्यान में रख करके किया, वो जो जय जवान जय किसान का नारा, उसको साकार मोदी जी ने और मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है, वो भी हम आपके सामने रखना चाहते हैं। मोदी जी ने रेवाड़ी में ही कहा था OROP के विषय को हम पूरा करेंगे। आई कैन से विथ अथॉरिटी
The 12,000 crore rupees have been given for one rank, one pension. 22 lakh cases have been addressed, and there is no single pending case of one rank, one pension. 12,000 crore rupees dekar 22 lakh logon ko. उसी तरीके से हरियाणा में सेना के हर घर से व्यक्ति है और सेना को लंबे समय से अस्त्र और शस्त्र से वंचित रखा गया था. वहां 5 साल के अंदर अब 36 रफेल का बेड़ा, 28 अपाचे हेलीकॉप्टर्स, मारक हेलीकॉप्टर्स, 6 सबमरीन्स विद न्यूक्लियर वेपन, 1.86 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट्स, क्वालिटी बुलेट प्रूफ जैकेट्स, 83 तेजस MK-1A जो MiG-21 को रिप्लेस कर रहा है. यह सारा जय जवान के लिए किया गया काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और हरियाणा इसका डायरेक्ट उस पर असर पड़ता है क्योंकि हर घर से फौजी है और उस प्रदेश के दृष्टि को ध्यान में रखकर के हम इस बात को देख सकते हैं. जहां तक जय किसान का सवाल है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 14 करोड़ लोगों को 6,000 रुपए का सालाना सम्मान निधि देना, 90,000 करोड़ रुपए खर्च कर देना, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री समृद्ध किसान खाता योजना, सम्माननीय खट्टर जी भी पीछे नहीं रहे हैं. उसी तरीके से हमारे फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम, उसी तरीके से नीम कोटेड यूरिया. आपको मालूम होगा कि 5 साल में हरियाणा में एक भी जगह पर न लाठीचार्ज हुआ न झगड़ा हुआ यूरिया के लिए. नहीं तो पहले लाठी चार्ज भी होता था, यूरिया के लिए ब्लैक मार्केटिंग होती थी, लेकिन आपने नीम कोटेड यूरिया करके उसको पूरा किया है, उस डिमांड को पूरा किया है. मुख्यमंत्री परिवार सम्मान योजना, आपदा के समय में उनको फसल का मुआवजा ठीक ढंग से मिल सके इसके लिए काम किया. सिंगल विंडो सिस्टम को हम लोगों ने लागू किया है और सबसे बड़ी बात आर्टिकल 370 और 35A, इसमें आपने जो हरियाणा से हमारे सारे सांसदों को चुना था वह डायरेक्टली नेशन बिल्डिंग में कितना काम आया है उसका एक जीता जागता प्रमाण है नेशनल इंटरेस्ट में. अब जो अगले 5 साल की कल्पना है उसमें गांव, गरीब, किसान, वंचित, शोषित, दलित, इनके उत्थान की बात को रखा गया है. जैसा मैंने कहा कि उस पर फोकस है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन समाज के सारे इश्यूज को और सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को एड्रेस करने की कोशिश है. जहां तक किसान का सवाल है, किसान को कमाऊ और टिकाऊ बनाना है, वह कमाने लायक हो, उसकी आमदनी बढ़े और वह कृषि के क्षेत्र में टिका रहे, पलायन न करे, इसलिए उसका सशक्तिकरण करने का काम किया है. उसी तरीके से युवाओं को, उनके अरमानों को, उनके सपनों को उड़ान देने का प्रयास किया गया है और उसी तरीके से बेटियों को सम्मान, सशक्तिकरण और सुरक्षा, इसके साथ वो आगे बढ़ सके, इस बात को भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया है. हमें खुशी है कि हरियाणा एजुकेशन में बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन अब हम क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान देंगे. अलॉन्ग विथ क्वांटिटी, क्वालिटी एजुकेशन पर हम ध्यान देंगे और क्वालिटी एजुकेशन में हम उनको ज्यादा सक्षम बना सकें इसका हम प्रयास करेंगे. उसी तरीके से हेल्थ में कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर के तरफ ध्यान दिया गया है, यानी प्रिवेंटिव,
प्रोमोटिव और क्यूरेटिव। हेल्थ बिगड़े ही ना, रोगी का इलाज करना तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन रोगी रोगग्रस्त हो ही नहीं इसकी चिंता करेंगे। इसलिए 2000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में वी विल प्रोवाइड एवरी पर्सन एट द एज ऑफ 30 विल गो फॉर अ कंपल्सरी स्क्रीनिंग फॉर हाइपरटेंशन, फॉर डायबिटीज, फॉर ट्यूबरक्लोसिस, फॉर लेप्रसी, फॉर डेंटल केयर, फॉर मेंटल केयर। ये सारी बातों की चिंता की जाएगी 30 साल की उम्र में, ताकि हम ब्लड प्रेशर से, हाइपरटेंशन से किडनी तक की जो बीमारी होती है, डायबिटीज से जो किडनी तक की बीमारी होती है, हार्ट की बीमारी होती है, उसको हम 30 साल की उम्र में ही कैप्चर कर लें। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स 2000 खोले जाएंगे। ये होगा प्रिवेंटिव पार्ट। क्यूरेटिव पार्ट में आपको मालूम है भारत सरकार ने मनोहर जी के निवेदन पर एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिया है। सभी डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेजेस खोल दिए गए हैं। अब हम मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स को एनहांस कर रहे हैं और क्वालिटी एजुकेशन में ला रहे हैं, और उसी तरीके से देश का सबसे बड़ा कैंसर सेंटर नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट 2052 करोड़ रुपए का, वह भी हरियाणा की धरती पर लगा है, उस पर भी काम हुआ। तो इसलिए क्वालिटी हेल्थ और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम संकल्पित हैं, और उसमें हम अब शायद तीसरे स्थान पर आ गए हैं, और जिस स्पीड से आप तीसरे स्थान पर आए हैं, हमारा कमिटमेंट है कि हरियाणा विल कम ऑन द फर्स्ट प्लेस। उस पर हम काम कर रहे हैं और उसके लिए हम अग्रसर हुए हैं। तो ये कुछ मुख्य बातें आपके सामने मैंने रखी हैं। मैं कुछ बुलेट पॉइंट्स आपको जरूर बता देना चाहूंगा इस मैनिफेस्टो का। युवा विकास एवं स्वरोजगार मंत्रालय का गठन करेंगे। हरियाणा स्टार्टअप मिशन शुरू करेंगे। शिक्षा के लिए बिना गारंटी ऋण उपलब्ध करवाएंगे। सभी गांव में खेल स्टेडियम या व्यायामशाला का निर्माण करेंगे। 1000 खेल नर्सरी की स्थापना करेंगे। महिलाओं और बच्चों के लिए एनीमिया मुक्त हरियाणा को बनाएंगे। हरियाणा अगले 5 साल में एनीमिया मुक्त हो जाएगा। कामकाजी महिलाओं के लिए हर जिले में हॉस्टल बनाएंगे। पिंक बस सेवा शुरू करेंगे। अंत्योदय मंत्रालय का गठन करेंगे, जिस में आर्थिक रूप से कमजोर लोग, जो बीपीएल में नहीं आते हैं, जो रिजर्वेशन में नहीं आते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए अंत्योदय मंत्रालय का गठन होगा, और केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सके, इसके हम प्रयास करेंगे। कुशल कारीगर को 3 लाख का बिना गारंटी लोन देंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सभी पेंशन 2000 मासिक से बढ़ाकर 3000 मासिक कर देंगे। संत कबीर, संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए उनके प्रेरणा स्थल बनाएंगे। अनुसूचित वर्ग के युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बिना गारंटी 3 लाख का ऋण प्रदान करेंगे। 10,000 दिव्यांगों को कौशल विकास प्रशिक्षण देंगे। दिव्यांगों के बारे में विशेष करके ध्यान दिया गया है कि 10,000 को हम कौशल विकास में प्रशिक्षण देंगे। पूर्व सैनिकों को पुनर्रोजगार देने हेतु अवसर प्रदान किए जाएंगे। हरियाणा को कुपोषण मुक्त बनाएंगे और ट्यूबरक्लोसिस फ्री बनाएंगे। बाय 2025 हरियाणा विल बी ट्यूबरक्लोसिस फ्री, और उसी तरीके से कुपोषण से भी, मैल न्यूट्रिशन से भी मुक्त हो जाएगा। 2000 वेलनेस सेंटर्स मैंने पहले ही बताया बनाएंगे। हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने की प्रयास होगा। जन औषधि केंद्र की संख्या बढ़ाएंगे। 60 मिनट में 60 मिनट में 1 घंटे में 10 लाख रुपए तक का तत्काल नगद ऋण सुविधा प्रदान करेंगे। युवाओं को बढ़ने के लिए 60 मिनट के अंदर ऋण की सुविधा, तत्काल नगद सुविधा प्रदान करेंगे। 2022 तक
सभी को पक्का आवास प्रदान करने के लिए तेजी लाएंगे, श्रमिक आवास परिसरों का निर्माण करेंगे, जय जवान आवास योजना के तहत पूर्व सैनिकों के लिए आवास निर्माण तेजी लाएंगे, सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के कार्यों में तेजी लाने के लिए साथ साथ संस्कृति से जुड़े कार्यों में तेजी लाएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों को विकसित करेंगे और कुरुक्षेत्र देव दर्शन पैकेज शुभारंभ करेंगे, उसको हम टूरिज्म के सर्किट में लेंगे। ऐसे कुछ बुलेट पॉइंट्स आपके सामने मैंने रखे हैं। मैं ये महसूस करता हूं कि हरियाणा जो एक समय में राजनीतिक दृष्टि से हर कुरीतियों से व्याप्त था, आज वो सबल होकर के हरियाणा सफल होकर के अग्रसर हुआ है, मुख्य धारा में शामिल होते हुए अग्रगणी राज्यों में खड़ा हुआ है और आने वाले 5 साल की मनोहर जी की सरकार उस कमिटमेंट को और आगे ले जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद नड्डा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पत्रकार साथियों से कहूंगा कि एक एक करके, समय का अभाव है, सभी के आगे कार्यक्रम लगे हुए हैं। हाँ, पहला सवाल विमान जी, माइक पहुंचाइए, जल्दी पहुंचाइए। ऑन कर दीजिए, नीचे नीचे। ठीक है, देखिए इन सब चीजों पर पोलिटिकल पार्टियां ठीक है, वो भी अपना ध्यान रखेंगी, लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट एजेंसी जो है वो भी इस पर अपना अध्ययन करती हैं, एक एक बात को देखती हैं। ये संकल्प पत्र कितने जारी किए जाते हैं, उस पर काम शुरू करने के बाद कुछ काम ऐसे होते हैं जो 5 साल के अंदर अंदर पूरे हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो उस काल में शुरू हो जाते हैं लेकिन उस पर काम चल रहा है। अभी एक रिपोर्ट मेरे पास आई है कि जिसमें 96% कामों को और पर काम चल रहा है। हमें भी जैसा 154 कहते हैं, मेरे हिसाब से तो 154 से भी ज्यादा ही है 5 साल तक, जिसमें से लगभग 10-11 ऐसी बातें हैं जिसको हम शुरू नहीं कर पाए। अब वो कहीं कई बार कुछ कारण होते हैं, कई बार कोर्ट का कोई निर्णय आ जाता है, कभी कभी फाइनेंशियल सिस्टम भी ऐसा होता है कि जिसके अंदर हमको ध्यान रखना पड़ता है। उन सारी बातों को अगले जो हमारा संकल्प पत्र से ध्यान करते हैं, अगर ये ध्यान नहीं करेंगे तो संकट कई खड़े होते हैं। अगर हम ध्यान करें, 2013 में कांग्रेस ने घोषणा के अंदर रैली की थी, जितनी घोषणाएं की थी, 4 दिन बाद ही हमारे ब्यूरोक्रेट्स जितने हैं जो व्यवस्था को देख रहे हैं सब कहने लग गए थे ये संभव ही नहीं है, 10 साल भी संभव नहीं है, 5 साल बोल रहे हैं। इस बार ये सारे विश्लेषण आ रहे हैं। कल मेरे पास एक रिपोर्ट आई कि कांग्रेस के संकल्प को पूरा करने के लिए 1,26,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये हरियाणा में 1,26,000 करोड़ तो कम से कम इस 5 साल के सत्र में तो नहीं आ सकता, अगले 5 साल में क्या होगा क्या नहीं होगा। हमने जितना अपना संकल्प पत्र की घोषणा इस बार की है उसमें मात्र 32,000 करोड़ रुपए इसके हम व्यवस्था कर लेंगे। हम सारी चीजें रियलिस्टिक बेसिस पर करते हैं, ऐसे कोई भी घोषणा जो पूरी ना हो सके ऐसा करने का हमारा कभी भी मंशा नहीं रहती। जी और आप कह रहे हैं
करते ही हैं। आखिर कांग्रेस के मैनिफेस्टो को हर बार लोग सुनते हैं। अभी लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने कहा कि हम 72,000 रुपया हर परिवार को देंगे। इस 72,000 रुपये का अगर अनुमान लगा लिया जाए तो केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं सब बंद करके तब भी 72,000 की नहीं दे सकते। कांग्रेस का स्वीकार किया क्यों उन्होंने? जनता सब समझती है, वो भी एक एक पैसे का हिसाब जानती है कि हमारे प्रदेश की आबादी 2.5 करोड़ से 2.60 करोड़ है। इसमें कितने दिव्यांग हैं, कितने वृद्धावस्था के हैं, कितने विडोज हैं, कितने इसमें विद्यार्थी हैं, कितने इसमें होमलेस हैं, सब आंकड़े आज वो जानते हैं, नहीं जानते हैं, आप सब जानते हैं, आपके माध्यम से हिसाब लगवा लेते हैं वो। तो हिसाब लगाने में हमारी जनता बहुत आगे है, होशियार है। और आखिर सरकारों की इनकम उसके हिसाब से ही तो खर्चे हो सकते हैं। बजट एक अपने आप में प्रावधान होता है जिसके संतुलन में ये सारी चीजें करनी पड़ती है। एक मिनट प्रदीप जी, प्रदीप जी पूछ रहे हैं, एक मिनट रुकिए आप प्रदीप जी ट्रिब्यून से, एक एक कर। सीएम साहब मेरा एक छोटा सा सवाल है। सर नड्डा साहब ने भी कहा, ये जो आपने थोड़े से पॉइंट बताए हैं, मेरे ख्याल आपका जो मैनिफेस्टो है वो कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म की तरफ नहीं जा रहा। आपने कहा रियलिस्टिक है, कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म में आप जाना नहीं चाहते, बिकॉज दूसरे दलों ने वादा किया, लोन वेवर का किया है, 5,000 पेंशन का किया है और काफी वादे किए हैं। आप क्या समझते हैं सर, मैनिफेस्टो इलेक्शन सर पे है हफ्ते बाद, मैनिफेस्टो का लोगों में कितना मैसेज आएगा? ये जो लोक लुभावन वादे हैं, पॉपुलिस्ट वादे हैं, उन पे लोग ज्यादा विश्वास करेंगे, आपके रियलिज्म के पे ज्यादा टेकर्स होंगे? मतलब आपका क्या टेक है, मतलब आर यू, मतलब ये आपका कॉन्फिडेंस बोल रहा है कि आप भी वादा कोई खास नहीं कर रहे? देखिए जनता में एक मैसेज होता है, आज मैसेज ये है कि विश्वसनीयता किस पर है। विश्वसनीयता का संकट पिछली सरकारों के साथ, पिछली पार्टी, दूसरी पार्टियों के साथ बना हुआ है। हमारे बारे में विश्वसनीयता का संकट जरा भी नहीं है। नियत का जब सवाल होता है, सब लोग मानते हैं कि कांग्रेस की बातों में कोई दम नहीं होता और किसी पार्टी में दम नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की कोई बात अगर आएगी तो कम से कम ये विश्वास सबको है कि इनकी नीयत साफ है। प्रश्न नीयत का है, अगर नीयत साफ से कोई घोषणा करेंगे लोग मानेंगे, नीयत में बदनीयती है तो इसको लोग नहीं मानते हैं। इतनी समझदारी हमारा जो वोटर है, हमारा जो मतदाता है, उसकी मैच्योरिटी इतनी है। ओम प्रकाश सीएम साहब, जो अभी दो घोषणा पत्र, एक संकल्प पत्र कांग्रेस का जारी हुआ, इनेलो का कल जारी हुआ, तो आपका जो संकल्प पत्र उससे तुलना की जाती है, तो जहां उसमें घोषणाएं हैं, चाहे एक बुजुर्ग पेंशन भी है, वो वोट लेने का जो है हथियार की तरह उसको यूज किया जा रहा है, अन्य जो भी प्रलोभन की बात है कि हम ये दे देंगे वो देंगे, उससे अलग आपने ये घोषणा पत्र जो अपना संकल्प पत्र बनाया है, तो क्या लगता है कि हरियाणा में पहले भी इन बातों का प्रलोभन चलता रहता है, तो उसमें इस संकल्प पत्र को कहां देखते हैं और जनता आपके साथ इस चुनाव में कैसे जाएगी, इसके बारे में? मैंने जवाब दे दिया उसका, और थोड़ा विस्तार करना हो तो मैं कर देता हूं। एक होती है घोषणाएं, आर्थिक घोषणाएं, एक होती है योजनाएं, प्रोग्राम, हमारी आगे की योजनाएं क्या है, हम उन योजनाओं में से किस तरीके से जनता को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है। तो इसलिए हमें अपना गोल, अपनी योजनाएं ये सब बताई हैं, और इस योजनाओं में आर्थिक पहलू बता करके ये कोई बहुत प्रलोभन के विषय देने की आवश्यकता नहीं है। पहले भी जो हमने किया है, प्रैक्टिकली सब चीजें की है, और प्रैक्टिकली करने के बाद हमने तो स्वयं कहा है कि बीपीएल की जो सारी कंडीशन इन लोगों की बनाई हुई है, इन लोगों ने कंडीशन बनाई कि किसी के पास टू व्हीलर है वो भी बीपीएल में नहीं आएगा, किसी के पास टेलीफोन है वो भी बीपीएल में नहीं आएगा। अभी आज सामान्य व्यक्ति जो 10,000 रुपया भी कमाता होगा वो भी अपना 1,500 रुपया खर्च कर देता है स्कूटर पर, 2-400 रुपया खर्च करके वो मोबाइल फोन भी रख लेता है, तो आज वो चीजें नहीं रही है। आज रियलिस्टिक होना पड़ेगा, तो रियलिस्टिक में हमने पैरामीटर किया कि आखिर उसके एसेट्स कितने हैं, इसको भूल जाए, उसकी आज की आय कितनी है, इसको ध्यान रख करके हम रियलिस्टिक तरीके से बीपीएल की योजना बनाएंगे, इसी में से लोगों को लाभ दे पाएंगे। अंकित दुधानी न्यूज 18। सीएम साहब, जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है उसमें महिलाओं को विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है, महिलाओं के आरक्षण की बात कही गई है कि 33% आरक्षण दिया जाएगा,
जो जिला परिषद है नगर परिषद है उसमें 50% आरक्षण दिया जाएगा, जो महिलाओं की जो वृद्धावस्था की जो पेंशन है उसकी 55 साल उम्र कर दी जाएगी। महिलाओं पे फोकस कोई आप वाले घोषणा पत्र में है नहीं। हमने भी महिलाओं के बारे में पर्याप्त इसमें लिखा है, आप अगर ठीक से पढ़ेंगे तो महिलाओं के प्रति जो सजगता जो संवेदनशीलता हमारी है वो आपको कहीं नहीं दिखेगी। आखिर इतने साल के बाद महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात इसको किसने समझा? महिला थाने खोले तो किसने खोले? महिलाओं की संख्या 6% से 9% हमने महिला कर्मियों की पुलिस में की तो किसने की? महिलाओं की शिक्षा के लिए अभी तक पिछले 48 साल में 31 कॉलेज थे, हमने आने वाले पिछले पांच साल में 31 और खोले। आज 62 या 64 इन महिला कॉलेज है, अभी केवल 9 स्थान ऐसे हैं जहां 20 किलोमीटर के अंदर महिला कॉलेज नहीं है, आती है वो 9 भी पूरे करेंगे। तो ये महिलाओं के प्रति ही हमने 12 साल से छोटी बच्ची के खिलाफ कोई अगर रेप जैसा मामला होता उसको फांसी की सजा सुनाने वाला ये पहला प्रदेश हरियाणा है, बल्कि हरियाणा के इस प्रावधान के बाद हमारी केंद्र सरकार ने भी कुछ महीने बाद उसको अडॉप्ट करके सारे देश भर में लागू किया। आज हमने महिलाओं की यातायात व्यवस्था उसको भी सुधारा है कि उनको किस प्रकार से अपने काम करने के स्थान पर ये महिलाओं को हम सुविधा दे सकते हैं। और जहां तक आरक्षण की बात है, हमारे यहाँ पंचायती राज सिस्टम में 33% का आरक्षण पहले से है, और जब पढ़ी लिखी पंचायतों का विषय हमने विश्लेषण किया तो महिलाएं इतनी जागरूक हो गई हैं कि वो संख्या 42% हो गई है, 42% अपने आप हो गई है। तो आखिर आरक्षण के बारे में एक विषय ध्यान रखना चाहिए कि जो एग्जैक्ट शेयर ऑफ पॉपुलेशन है वहां तक कंप्लीट करने के लिए हर वर्ग के लिए गुंजाइश भी छोड़नी चाहिए, वरना कुछ प्रदेशों ने 50% कर रखा है, वहां महिलाओं की संख्या 50 तो है ही है, जैसे हमारे यहाँ 9% बढ़ गई वहां 12% बढ़ गई, महिलाओं की संख्या 62% हो गई। अब जब महिलाओं की संख्या 62% हो गई अब पुरुष कहने लग गए हैं कि 50% पुरुषों की कर दो। तो ये कंपटीशन ऐसे नहीं होने चाहिए, कुछ एक स्कोप ये ऑटोमेटिक इंक्रीज का उनको प्रोत्साहन देने के लिए रखना चाहिए, वरना तो फिर 100 को 3 तुमो 2 तुमो 4 तुमो 8 तुमो 20 तुमो और करके 100 बांट दो, फिर ओपन कंपटीशन का विषय खत्म हो जाएगा, आगे बढ़ने का अवसर खत्म हो जाएगा। तो इन चीजों के भी हमको ध्यान रखना है। विपिन परमार, इंडिया न्यूज। सीएम साहब, 170,000 सुझाव जो है वो संकल्प पत्र को लेकर आए थे, ऐसे में क्या समझते हैं कि 1,93,00,000 जो वोटर है प्रदेश के उन तक रीच कर पाए? क्योंकि ग्रास रूट लेवल की बातें हैं यहाँ पर, जो जमीनी स्तर का आदमी करता है, जो घोषणाएं छोटी छोटी जो घोषणाएं होती हैं चाहता है कि आम आदमी करे। क्या समझते हैं कि 1,70,000 सुझावों में से जो स्क्रूटनाइजेशन की गई, छटनी की गई, उसके बाद आप 1,93,00,000 वोटर तक ये चीजें पहुंचा पाएंगे, या उन तमाम सुझावों को वो तमाम 1,93,00,000 लोगों के ही यही सुझाव ऐसे हो सकते हैं? देखिए, हमेशा इस प्रकार के विषयों को जो जागरूक नागरिक होता है वही अपने मानस में बैठाता है, हर वोटर के दिमाग में हर बात होती है ऐसा नहीं है। बहुत वोटर ऐसा होता है जो सरकार के बारे में एक मोटा मोटा उसके थिंकिंग होती है, ये सरकार अच्छी है ये सरकार अच्छी नहीं है, एक इंप्रेशन बन जाता है। हर बात बड़ी बारीकियों में जितना आप और हम सोच रहे हैं इतना सोचने के लिए ना उसके पास समय है ना क्षमता होती है। और ये जो 1,70,000 है ये उन्हीं के बीच में से उनके प्रतिनिधि के रूप में है, और हमने तो ओपन रखा है कोई हम 1,70,000 तक जाएंगे बाकी पास जाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। हमने एक व्यवस्था बनाई थी कि हमारे संकल्प पत्र यात्रा रथ वो घूमेंगे, और वो घूमे एक निश्चित अवधि थी। हम ये मानते हैं कि एक सैंपल अगर आता है, हम लोग बाकी मीडिया के लोग या सर्वे के लोग जब कोई ओपिनियन पोल करते हैं तो क्या हर एक वोटर के पास जाते हैं? कितने लोगों के पास जाते हैं? मुझे नहीं लगता किसी विधानसभा में आप 1,000 लोगों के पास जाते ज्यादा जाते होंगे, आप 90,000 तक सीमित हो जाते हैं, हम 1,70,000 तक गए हैं, उससे तो डबल है। ऑन एवरेज 2,000 लोगों से एक विधानसभा में पूछ करके कुछ चीजें बनाई गई, और बहुत चीजें इसमें कॉमन होती हैं, उस कॉमनैलिटी के आधार के ऊपर उसमें से चीजें निकाली जाती हैं। इसलिए हमने एक पब्लिक पार्टिसिपेशन के आधार पर ये डॉक्यूमेंट तैयार किया है ताकि उनकी अपेक्षाओं पर हम खरा उतर सकें। दैनिक जागरण, अनुराग अग्रवाल। हेलो सर, हरियाणा में आपकी सरकार रही 5 साल, इधर सर, हरियाणा में 5 साल सरकार रही और पहले भी बहुत सारी सरकारें रही, तो क्या आपको आपने जिस तरह से जो घोषणाएं की या संकल्प लिया उससे ऐसा लग रहा है कि अगले 5 सालों में हरियाणा में राम राज आने वाला है, तो इन 5 सालों में आपको लगा कि आप इस स्टेज पे पहुंच गए कि अगले 5 साल में हरियाणा में राम राज आ जाएगा?
देखिए आज बड़ा पवित्र दिन है, मैंने पहले अपनी भूमिका में बताया, कल्पना तो हमारे रामराज की ही है। अब मानो रामराज को कोई समझ ही ना सके और वो किसी और दिशा में चलता रहे तो बेशक चलता रहे। हम सर्वे भवन्तु सुखिना ये कल्पना करते हैं। ईश्वर सदा हमेशा हमेशा अग्रसर रहना चाहिए और अग्रसर रहते हुए 5 साल में नई बातें भी कुछ आ जाएंगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो कुछ हमने रामराज 5 साल में आ गया तो अगली बार फिर तीसरी बार भी तो सरकार बनानी है, तीसरी बार फिर कुछ नहीं बचेगा, ऐसा थोड़ी है। ये तो लगातार चलने वाला एक कार्यक्रम है। राम और रावण का युद्ध आज से 1000 साल पहले हुआ था, रावण को परसों 3 दिन पहले भी हमने फूंका है। तो इसलिए ये हर 5 साल के बाद आने वाले समय में उस समय की परिस्थिति, उस समय के विषय के हिसाब से फिर आगे कार्यक्रम शुरू करेंगे। आज की परिस्थितियों में जो बेस्ट से बेस्ट, बढ़िया से बढ़िया हो सकता है, वो हमने आज संकल्प के माध्यम से आपके सामने विषय रखा है। और मैं समझता हूँ ये सब काम हम कर लेते हैं तो जैसे जनता पहले पिछले 5 साल के कार्यकाल से संतुष्ट है। मैं एक बात सभा में भी कह रहा हूँ कि हरियाणा का ये पहला अवसर है कि जब चुनाव की तिथि से 6 महीने पहले हरियाणा की जनता ने बताना शुरू कर दिया कि अगली बार फिर से भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी। तो इसलिए जनता के अच्छा जो हमको मिल रहा है रिस्पॉन्स, उसी आधार पर हम कह सकते हैं कि पिछला भी बखूबी हमने काम किया और इसी प्रकार से आगे 5 साल के बाद फिर हम इसी प्रकार से तैयार होकर आपके साथ आएंगे। बहुत बड़ा समय का अभाव है, मैं क्षमा चाहूंगा। आखिरी एक सवाल पूछ लीजिए इसमें। एक सवाल बस आखिरी जी। महिला पत्रकार। मुख्यमंत्री जी, मैं उमंग शुरान जनता टीवी से। शहीदों को लेकर या फिर जो सैनिक है सरहद पर, हरियाणा सबसे आगे है ऐसा प्रदेश है देश में। बावजूद इसके पड़ोसी राज्यों में सैनिकों और शहीदों को लेकर मान सम्मान ज्यादा दिया जाता है, चाहे वो नौकरी की बात है या आर्थिक मदद की, दिल्ली सरकार की बात करें। और ऐसे ही पंजाब सरकार भी सेना में भर्ती होने वाले यंग अफसरों को भी प्रोत्साहित करती है। हरियाणा सरकार में पहले ऐसा होता था लेकिन पिछले 5 साल में इस तरह की कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिली। क्या इस संकल्प पत्र में ऐसा कुछ शामिल किया गया है? देखिए, आप कहते हैं नहीं किया गया, मैं आपको आंकड़े से बता सकता हूँ। पिछले 10 साल में कांग्रेस के शासन में अगर ये जो कैजुअलिटीज होती हैं, शहीद होते हैं हमारे सैनिक, उनके परिवारों को सहायता करने के लिए मात्र 24 नौकरियां दी गई थी और अभी हमने 5 साल में 260 से ज्यादा नौकरियां दी हैं। 1971 के जो शहीद हुए उनके परिवारों को भी नौकरियां आप दी हैं, कारगिल के शहीदों के परिवारों को नौकरियां अब दी हैं। अब ये प्रावधान एक पूरा हो गया कि हर शहीद परिवार के उसमें एक नौकरी दी जाएगी। पहले तो क्लास सी और डी की दी जाती थी, अब हमने कहा कि नहीं, जो योग्यता होगी सामने वाले की उस योग्यता के हिसाब से नौकरी देंगे। हमने पिछली बार राशि भी उनकी वो काफी पढ़ाई थी, लेकिन हर एक चीज की एक सीमा रहती है। उस नाते से सारे देश भर में बाकी प्रांतों का भी हिसाब देखना, अब जहां सैनिक की संख्या बहुत कम है, अब कम सैनिक मानो दिल्ली है, दिल्ली कुछ भी घोषणा करे अर्थ क्या है? कोई अर्थ नहीं है। हमारी कैजुअलिटीज मुझे लगता है कि पिछले 5 सालों में शायद 1000 से ज्यादा हुई होंगी और उनकी कैजुअलिटीज अगर 5 साल में, ठीक आंकड़ा मुझे मालूम नहीं, लेकिन 20-30-50 से ज्यादा नहीं हुई होंगी। तो केवल राजनीतिक तौर पर चीजों को और अपना हाजिरी दर्ज कराना ये विषय हमारा नहीं है। हमें उनकी रियलिस्टिक तरीके से, हमने पूर्व सैनिक कल्याण विभाग बनाया, मंत्रालय बनाया बाकायदा। पहले सैनिक बोर्ड होता था, अब उसका एक अलग से मंत्रालय बना, उसका विभाग बना और उस नाते से उनकी हर प्रकार की, उनके परिवारों की सहायता, ये सब हम करते हैं। इस नाते से हम कोई कमी नहीं छोड़ता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि जलपान करते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।